नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रेवाड़ी कॉलेजों में स्नातक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आज है। बता दें, इसके अगले दिन 1 जुलाई तक कॉलेज में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 2 जुलाई को पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 3 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट, 4 जुलाई से 8 जुलाई तक पहली मेरिट लिस्ट की फीस जमा होगी। पांवटा साहिब में श्री राम हनुमान सेवा समिति पांवटा साहिब, श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर व समिति व उत्तर प्रदेशी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज यानी 30 जून को भजन संध्या का आयोजन होगा। बता दें कि पांवटा साहिब में पवित्र यमुना तट पर प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को भजन संध्या कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने IBPSRRB CRP 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा आज यानी 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in के माध्यम से IBPSRRB पंजीकरण फॉर्म 2024 भर सकते हैं। सामाजिक संगठन विचार एक नई सोच और PRSI देहरादून चैप्टर सहित 8 अन्य संस्थाओं के सहयोग से आज यानी 30 जून को एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि रक्तदान शिविर में एकत्रित रक्त को दून मेडिकल कॉलेज को दिया जाए। लुधियाना में राष्ट्रीय हिंदू मंच महावीर मंदिर ट्रस्ट और वैष्णव सेवा परिवार की ओर से माँ भगवती के विशाल चौकी का आयोजन आज यानी 30 जून को शाम 5 बजे से 8 बजे तक महावीर मंदिर गुड मंडी में किया जा रहा है। बता दें कि जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। धनबाद में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के धनबाद जिला इकाई ने आज यानी 30 जून को महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि जिलाध्यक्ष अधिवक्ता हरिप्रसाद गोंड ने बताया कि शाम 4 बजे से हाउसिंग कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में विशेष कार्यक्रम होगा। भीलवाड़ा में श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट का साप्ताहिक रामायण पाठ आज दोपहर 3 बजे रामधाम में होगा। बता दें कि ऑटो की सुविधा 2:30 बजे बड़े मंदिर के पास धान मंडी सुभाष नगर छोटी पुलिया से रहेगी। भीलवाड़ा में योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारियों की बैठक सत्साहित्य केंद्र पर हुई। बता दें कि कोर कमेटी सदस्य चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि आज छोटी हरणी आश्रम पर संत आचाराम बापू की शिष्या साध्वी सुशीला बहन की ओर से गीता भागवत सत्संग किया जाएगा। रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप आज एशिया लॉन में आयोजित किया जाएगा। उक्त जानकारी आर्बिटर आदित्य कुमार द्विवेदी ने दी है। बता दें, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जनपद के सब जूनियर जूनियर बालक व बालिका प्रतिभाग कर सकते हैं। यूपी में आज भारी बरसात का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को घरों में सुरक्षित स्थान पर रहने की भी सलाह दी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1911 में आज के दिन भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म हुआ था। साल 1985 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के एच आरा का निधन हुआ था। साल 1999 में आज के दिन ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टीम फिशर का इस्तीफा मिला था। साल 2005 में आज के दिन ब्राजील ने कॉन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता था। साल 2006 में आज के दिन फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।